नौजवान साथियों, हमने आज शौचालय के लिए आवेदन किए थे, 11/1 को हमने आवेदन किए थे, जो कि हमने मार्च में आवेदन लिख कर भेजे थे। कर्ज लेकर हमने लैट्रिन बनाए हैं, हमें ये रुपया मिल जाता तो कर्ज से हम उत्तीर्ण हो जाते, लेकिन हमने प्रधानमंत्री महोदय को ये लेटर लिखे। इस लेटर पे मुझे भगवानपुर बुलाया गया और भगवानपुर बुला करके कहते हैं ऐसा लेटर पैसा आपको नहीं मिलेगा। फिर हमने पूछे क्यों भाई, कैसे मिलेगा? उन्होंने बोले आपको 2000 रुपया लगेगा, क्योंकि ये रुपया केंद्र और राज्य में जाता है, जो इलेक्शन लड़ने के काम में आता है। हमने ये लेटर लिख करके हमने भेज दिए केंद्र और राज्य में, जिसका लेटर प्रतिकाया छाया कॉपी ये रहा। ये लेटर पे अधिकारी मुझे आए घर पे, जांच किए, बोले उन्होंने एक नदिया और एक सेफ्टी और बनाना पड़ेगा। हमने वो भी बना दिए। 23/5/2024 का जो टॉकिंग हो गया, जो कि दिल्ली से फोन आया तो बोला आपको क्या मैटर है, हमने मैटर बता दिए, बोले जियो टॉकिंग हो गया, 23/5/2024 का हो गया। बोला अभी तक पैसा नहीं मिला, तो अधिकारी ने बोले अभी क्या कहते हैं ये आचार संहिता लागू है, इसलिए आपको नहीं मिला। आचार संहिता खत्म हुए लगभग 19-20 दिन हो गया है, जो आज तक पैसा नहीं मिला है, जो कि अधिकारी ने मुझे पहले ही बोल दिया था, दलाल ने बोल दिया था, एजेंट ने बोला था आपको सब कुछ हो जाएगा पर पैसा नहीं आएगा, आप दौड़ते रहिएगा, हम लिख करके हमारे अधिकारी लिख करके भेज देंगे, जो आपका सारा काम हो गया है। शौचालय पे 2000 रुपया, इंदिरा आवास में यानी 35,000 रुपया लिया जाता है, वहाँ पे अधिकारी डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, उनका दलाल उनका एजेंट मांगता है। अगर वो अधिकारी डायरेक्ट मांगते हैं तो निगरानी विभाग के अंदर आ जाएंगे, जैसे कल परसों ऐसे हुआ है कहानी, ये देख लो। इसीलिए सभी आदमी सतर्क हो जाओ, एक पैसा घूस मत दो किसी को, अपना डायरेक्ट काम करके यहाँ से लेकर के दिल्ली तक भेजो। और हमें याद है 1986-87 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय में गरीबों को सभी के लिए जीने के लिए गाय दिए थे, लोन दे रहे थे। उस समय में हमारे गांव का संजात पंचायत का चंद्रशेखर मिश्रा जी, गाय के लिए उनको 5% घूस मांगा गया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को चिट्ठी लिख करके भेज दिए थे। वो चिट्ठी पे अधिकारी डायरेक्ट वहां से आया था और डायरेक्ट आ करके उनको गाय देते हुए इको बैंक शाखा प्रबंधक को सस्पेंड कर दिए थे। जब प्रधानमंत्री को हम ऐसा चिट्ठी लिख करके भेजते हैं तो क्यों नहीं उस अधिकारी को सस्पेंड करते हैं, क्यों नहीं उससे पूछताछ होता है? ये बड़ी घृणा की बात है। आज देखा जाए अधिकारी सब भ्रष्टाचार बैठे हुए हैं, जो अधिकारी अपने डायरेक्ट नहीं मांग करके दलाल को बैठा रखा है, 10%, 20% तो दूर के जाए, 35,000 रुपया लिया जाता है आवास में, और शौचालय में 2000 रुपये खुलेआम लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं मांग करके अपना आदमी को वहाँ सेटल कर रखे हैं, तभी आता है। हमने ना रुपया दिए हैं ना हमें मिला है अभी तक, और इसीलिए हमें दौड़ाया जा रहा है। तमाम लोगों से निवेदन है कि ये चीज को आवाज़ उठाएं, बुलंद करें, और धरना प्रदर्शन ना हो तो धरना प्रदर्शन करें, आपका काम हो जाता है। कहते हैं भाई चाय पीने के लिए पैसा लीजिए, क्यों भाई, वो सरकार थैली पैसा नहीं दे रहा है,